नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों FM यानी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी की तरफ से क्लेरिफिकेशन आ गया है STT चार्जेस को लेकर। और जो सुबह तक कंफ्यूजन था, जो मैंने भी आप सभी के साथ अराउंड 3:30 बजे के समथिंग ये वीडियो शेयर करी कि सरकार ने एक बड़ा झटका दिया है ट्रेडर्स को, और मतलब समझ में नहीं आ रही है चीजें ऐसा क्यों हो रहा है, जिसमें सरकार को ऑलरेडी काफी अच्छा खासा टैक्स मिल रहा है शेयर बाजार से, उसके बावजूद ये टैक्स बढ़ाने की प्रक्रिया क्या एक घाटे का सौदा हो सकती है भारतीय गवर्नमेंट के लिए या नहीं। प्लस जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था, जो STT के चार्जेस इंक्रीज करे गए थे 0.017% से 0.05% पे, यानी कि जो पहले 1 करोड़ के ट्रांजेक्शन पे 1700 रुपीज के चार्जेस लगते थे, वहां पे 23% का इजाफा करा और 2100 रुपए के चार्जेस लगेंगे ऐसा कहा गया। लेकिन एक्चुअली में ये 2017 में ही 1700 से चार्जेस बढ़ाकर 5000 कर दिए गए थे, फिर ये दोबारा से 1700 से 2100 कैसे हो सकते हैं। तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि ये 5000 से घटकर 2100 हो गए हैं, या फिर 5000 या फिर और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सॉरी मैं माफी चाहूंगा। तो कंफ्यूजन ये था कि जब बेस प्राइस ही 5000 का है तो फिर ये 1700 से बढ़ाकर 2100 कैसे। इसके पीछे का रीजन जो सामने निकल के आया वो ये कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि मतलब जो दुनिया से टैक्स लेता है, दुनिया मीन्स भारत से, आई मीन टू से, माफी चाहूंगा अपने वर्ड्स पे थोड़ा इमोशन उसमें बह रहा हूं, तो जो भारत से टैक्स लेता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही गलत कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी थी कि इस समय जो ऑप्शंस में हम लोग टैक्स ले रहे हैं वो 0.017% का है। और जब फाइनेंस मिनिस्टर ने कहीं ना कहीं चेक करी होगी तो शायद वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करा और उन्होंने पिछला प्रीवियस उठा के नहीं देखा, या फिर किसी भी एक्सचेंज या ब्रोकर से बात नहीं करी और ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। जब बिल पास हुआ, अमेंडमेंट बिल पास हुआ एंड खबर सामने निकल के आई कि फ्यूचर्स में तो चलो जो बढ़ाया वो ठीक है, लेकिन ऑप्शंस में जब सामने आया तो एक खलबली मच गई शेयर बाजार में। बट सबको कहीं ना कहीं पता था ये गलती हुई है, ये डाटा गलत उठाया है और इसको रिव्यू करा जाएगा और जो 5000 बेस था उसी के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाएगा। अब एक सबसे बड़ा सवाल, मतलब सरकार कुछ नहीं सोच रही है क्या, सिर्फ टैक्स बढ़ाना ये समझ चुकी है कि मुझे तो पैसा खाना ये समझ चुकी है, क्योंकि 1700 से 2100 कर रहे हैं, अब वो 2100 पे सेटिस्फाई है। आप खुद सोचिए, पहले आप बोल रहे हो कि मैं किसी से 5 रुपए लेता हूं, मुझे 7 रुपए चाहिए और आप 7 पे सेटिस्फाई हो, लेकिन अचानक से आपको पता चलता है मैंने 7 की जगह पहले ही 10 रुपए कर दिए थे सन 2017 में, तो मुझे 10 से बढ़ा देने चाहिए। तो जब आपको 7 रुपए पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा था तो अब 10 से भी क्यों ऊपर बढ़ा रहे हो। मैं एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, यहां केस कुछ इस प्रकार है कि सरकार को लगा कि हम 5 रुपए सबसे ले रहे हैं, ठीक है, राउंड फिगर में कहते हैं 5 रुपए ले रहे हैं, और अभी उन्होंने दोपहर के 2:30 बजे के करीब जब अनाउंसमेंट हुई तो उन्होंने कहा हम 5 रुपए से टैक्स बढ़ाकर 7 रुपए कर रहे हैं, ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। अब आप 7 रुपए में कहीं ना कहीं खुश होना कि हमने टैक्स बढ़ा दिया, 7 रुपए मिलेगा हमें खुशी है, ठीक है, लेकिन अचानक से आपको याद होता है कि मैंने तो सन 2017 में ही 5 रुपए से टैक्स बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया था, तो अभी मुझे 7 पे सेटिस्फेक्शन कैसे मिल सकती है, अब मैं 10 से बढ़ाकर 12 कर दूंगा। तो मतलब जो चीज अभी आप सुबह तक 7 रुपए पे सेटिस्फाई थे, अचानक आपको पता चला आप पे 10 मिल रहा था, तो आप 10 पे भी सेटिस्फाई नहीं होते हो, आप 10 से भी बढ़ाते हो और 12 कर देते हो। दैट मींस आपने कसम खा ली कि मुझे टैक्स बढ़ाना है, मुझे अमाउंट से मतलब ही नहीं है, मुझे टैक्स बढ़ाना है बस। तो ये चीज मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। अब अपडेट सुन लीजिए, बहुत एग्जांपल दे दिया। जो सुबह तक कंफ्यूजन था कि बेस प्राइस ही जब 5000 है 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन पे टैक्स, STT होता क्या है मैं आपको ये बता दूं एक बार, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि एक मार्केट में कोई भी काम कर रहा है चाहे वो कैश में, ऑप्शंस में या फिर इंट्राडे या फ्यूचर्स में, सब पे करते हैं। तो इसी में बदलाव हुए हैं। अब आते हैं जो पहले थे और अभी। पहले दोस्तों जो कैश में था वो 10,000 रुपए लगता था 1 करोड़ की कहीं ना कहीं डिलीवरी पे, और अभी भी 1 करोड़ पे 10,000 ही लगता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शंस में आते हैं, तो ऑप्शंस में इंट्राडे की बात करें अगर, तो इंट्राडे में 1 करोड़ रुपए पे अगर आप कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे, तो 2500 रुपए का पहले लगता था और अभी भी 2500 ही लगेगा। अब आते हैं FNO पे। FNO की बात करें तो फ्यूचर्स में पहले 1 करोड़ पे 1000 लगता था और अभी 1250
रुपए लगेगा चार्ज, बढ़ गया है एफएनओ में, बढ़ा है तो 25% का इजाफा यहां हो गया है। एंड अगर ऑप्शंस की बात करें तो पहले 1700 ऐसा सरकार को लगा कि 1700 है, उन्होंने 23.5% का जंप दिया और 2100 करा, लेकिन फिर उन्हें याद आया ये तो हम पहले ही 5000 कर चुके, तो वो 5000 पे उन्होंने 25% लगाया और 6200 रुपए कर दिया है। अब फ्रेश जो ऑप्शंस पे टैक्स हो गया है वो 6200 रुपए 6200 रुपीज आपको 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन में पे करना होगा। बहुत सारे निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को ये लगेगा जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, भाई इससे क्या फर्क पड़ना है थोड़ा सा 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन पे। मैं आपको बता दूं जो बड़े बड़े लोग हैं ना जो स्कैल्पिंग करते हैं, छोटे से मूव में बड़ा पैसा बनाते हैं या फिर जो बेचते हैं, उनसे सोचो ना 1 लॉट में 1 लाख लग जाता है उनका, वो तो 10 लॉट यूं ही बेच देते हैं 100-100 लॉट, तो उनका अब टैक्स बढ़ेगा और ये कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स में कमी आएगी और ये दिक्कत की एक विषय बनता हुआ दिख सकता है आपको। तो ये अभी की एक फ्रेश ब्रेकिंग न्यूज आती हुई दिख रही है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करी। होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। ऑप्शंस, फ्यूचर्स, कैश, इंट्राडे, कैश इंट्राडे में पहले भी जितना लगता था उतना ही अभी लगा है वो मत देखो, लेकिन फ्यूचर्स में पहले 1 करोड़ पे 1000 लगता था, 1250 टैक्स लगेगा एसटीटी केवल, और ऑप्शंस में पहले 5000 लगता था और अब 6200 लगेगा। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।